हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, L1 का प्रोसेस देख रहे हैं, बट सेलर के अकाउंट से देख रहे हैं, है ना। देखो सेलर के अकाउंट से आप L1 देख सकते हो, कर सकते हो, नहीं है ऐसा नहीं है कि L1 होगा नहीं, L1 हो सकता है यहाँ पर भी, पर यहाँ पे आपको वो फील नहीं मिलेगा जो बायर में मिलता है। बायर में एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, जगह पे मिलता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, पर आपको एक आइडिया आ जाएगा, पर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं बोल सकते। क्या कैसे होता है, एक्यूरेट रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता है, वो सब हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन भी करेंगे हमारे सामने। पर ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा जो आपका प्रोडक्ट L1 होगा या नहीं होगा सेलर के अकाउंट पे। मतलब बायर जैसा फील नहीं मिलेगा, बट आप आइडिया के तौर पे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो L1 का पता कर सकते हैं, यदि आपके पास बायर का अकाउंट नहीं है तो भी सेलर के अकाउंट। तो जैसे मैंने ये प्रोडक्ट दिया, ये मेरा प्रोडक्ट है L1 के लिए। अभी L1 के लिए हमने आप लोगों को ऑलरेडी बताया जो L1 किससे करते हैं, सिर्फ गोल्डन पैरामीटर। तो गोल्डन कौन सा है, ये जो है ये गोल्डन फिल्टर है ना, ये गोल्डन फिल्टर है, लेंथ ऑफ बैग ये सभी जो है ये गोल्डन फिल्टर है। हम लोग अभी सेलर के अकाउंट पे, अभी यहाँ पे L1 कौन है यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे करो इसको लो टू हाई। हमारा बायर कहाँ का है, एज एज्यूम करते हैं हमारा बायर है पुणे का, यहाँ का पुणे का बायर है, और हम कितना क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं ये वाला, हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं इसको, हम लोग 304 है तो हम लोग इसको 1000 क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं ना। हमारा बायर है पुणे का और हम 1000 क्वांटिटी परचेज करना चाहते हैं, 1000 क्वांटिटी दैट मीन्स 304 × 30,000 हो गया ना, बराबर 3 लाख हुआ ना सर, 3,04,000 है ना, 3,04,000 का वही जो है हम लोग उसको देखना चाहते हैं। अभी बायर में क्या होता था, देखो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, बायर के आईडी में क्या होता है, जैसे मैं 1000 क्वांटिटी दिया यहाँ पे रेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता जो सेलर के अकाउंट में नहीं होगा, ये एक आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा पहला। और यहाँ फिल्टर क्या लगाएंगे आप, लो टू हाई, यहाँ पे फिल्टर लगा दो तो सबसे कम 1 रुपया में कोई प्रोडक्ट दे रहा है ये मुझे पता चल। अभी यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में जाओ और आप यहाँ पे देखो एक एक फिल्टर लगाओ, मेटेरियल ऑफ द बायो मेडिकल वेस्ट, तो यहाँ देखेंगे क्या है ये, या फिर पहले से देख लेते हैं, लेंथ ऑफ द बैग मेरा है 1 to 19, लेंथ ऑफ द बैग क्या है मेरा 1 to 19, लेंथ ऑफ द बैग 1 to 19, ये फिल्टर हम लोग यहाँ पे लगाते, सेम फिल्टर मिलता है जैसे वहां मिलता है ऐसे यहाँ पर भी फिल्टर मिलता है। अभी हमारा सबसे कम का रेट कितना हो गया, 6 रुपया का, ये हमारा सबसे कम हो गया है ना। उसके बाद अभी और देखेंगे यहाँ पे विड्थ है 1 to 19, विड्थ देखेंगे अभी ये भी 1 to 19, 68 प्रोडक्ट बचते हैं हमारे पास, अभी भी 6 रुपये वाला L1 है। सेकंड अभी और कौन सा है हमारे पास, मेटेरियल ऑफ बायोमेडिकल, मेटेरियल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, अभी यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का फिल्टर क्या है देखो, कंपोजिटेबल प्लास्टिक, अभी कंपोजिटेबल प्लास्टिक ये, चलो इसको फिल्टर लगा दो। अब यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट अभी कितने का है, 6 रुपये का, 29 प्रोडक्ट टोटल बच गए, ये 3 फिल्टर हो गया। चौथा फिल्टर है ब्लू कलर में, कलर का फिल्टर लगाएंगे, अभी 3 फिल्टर हो चुका है, ज्यादा इसमें फिल्टर नहीं है, हम सिर्फ गोल्डन लगा सकते हैं, सिल्वर नहीं लगा सकते, ब्लू ये वाला है, इसमें 4 प्रोडक्ट। चलो आपका प्रोडक्ट है 119 का, ये प्रोडक्ट आ चुका है ना, अभी यहाँ पे 119 का आ गया, हमारा प्रोडक्ट है 304 रुपये, ये हमारा 3 फिल्टर हम लोगों ने लगा दिया। अभी और एक फिल्टर अपना बच जाता है, कौन सा, हो गया फिल्टर खत्म, एक हो मैक्सिमम वेट, इसमें कोई फिल्टर ही नहीं है, 40 ये सबका है ना, हमारा प्रोडक्ट आता है सबसे हाई रेट 304 रुपये, तो हमारा भी प्रोडक्ट का ये L1 अभी कौन हो रहा है 119 रुपये। पर जरूरी नहीं कि 119 रुपये वाला L1 हो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, हर जगह का प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी बेच रहा है। अभी इसको देखना पड़ेगा मुझे, ये पहला तो 1000 क्वांटिटी दे रहा है, इसके पास 1000 क्वांटिटी का स्टॉक है क्या, पहला। और दूसरा हम इसमें देखेंगे ये पुणे में ये प्रोडक्ट कोई इसको दे रहा है क्या, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू का, तो हमारा यहाँ से एक बेनिफिट तो ये मिल जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट का जो हम अपलोड करेंगे कोई भी प्रोडक्ट
वो L1 होगा उसका बेस्ट प्राइस क्या है यहां से हम पता कर सकते। ये क्यू सेलर डिटेल्स यहां जाएंगे। अब यहां पे देखो पुणे में कोई सप्लाई कर रहा है, महाराष्ट्र में कर रहा है और इसके पास 119 रुपए में दे रहा है, तो जगह पे हम लोग यहीं पर खत्म हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अभी आपका प्रोडक्ट का रेट क्या होगा फिर 119 रुपया आपको देना पड़ेगा 119। बट आपका प्रोडक्ट आप यदि ये मिनिमम क्वांटिटी कितना दे रहा है 500, यदि आप यहाँ पे क्वांटिटी को कम कर देते हो, जैसे हम लोगों ने क्वांटिटी कितना लिया था 500 1000 लिया था, तो यदि मैंने यहाँ पे अपने क्वांटिटी को 499 क्वांटिटी देता हूँ तो हमारा ये जो है ये प्रोडक्ट यहाँ से निकल सकता है। तो हम इसको 499 के क्वांटिटी में जैसे दो लॉट में हमने इसको ऑर्डर देते हैं तो ये पॉसिबल है कि ये रेट में अपना प्रोडक्ट L1 इससे ज्यादा रेट में L1 हो, तो वैसे कंडीशन में ये निकल जाएगा। तो हमारे लिए बेस्ट प्राइस वैसा में क्या हो जाएगा, देखो ये दे रहा है 240 में और ये दे रहा है 190 में, और इसके पास भी है 50 क्वांटिटी है और 190 है, तो वो सवाल खत्म हो गया 190। तो आपका प्रोडक्ट का जो अभी बेस्ट प्राइस है शायद 190। हाँ, आपका प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस क्या मिलेगा फिर 190 में फिर आपको देना पड़ेगा 190 से कम। यदि आप 499 का प्रोडक्ट का क्वांटिटी रखते हो तो, और यदि आप 1000 क्वांटिटी 500 या 500 से ऊपर रखते हो तो आपको आपको प्रोडक्ट को 119 रुपये से कम में देना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट आपका नॉर्मल मेथड से कभी भी ये L1 नहीं होगा। तो यहाँ से ये आप पता जरूर कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट जो आप पेयर कर रहे हो उस प्रोडक्ट का आपको बेस्ट प्राइस क्या रखना है L1 करने के लिए। ये है, आपको इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट L1 होगा या नहीं, और होगा तो सेलर के अकाउंट में कैसे हो। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। सर अब इसमें मैं ये पूछ रहा था कि अगर अपन जो स्पेसिफिकेशन बिल्कुल यूनिक डालें, अगर जैसे तीन अपन अलग अलग अकाउंट से एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट कर दें और तीन यूनिक स्पेसिफिकेशन डालें तो L1 में अपन उसको कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो तो एकदम L1 के लिए परफेक्ट है। अभी यहाँ से हम पता भी कर सकते हैं, जो हमको मेरे प्रोडक्ट को 319 में ही बेचना है तो स्पेसिफिकेशन थोड़ा बदलो। अब इसमें एक प्रोडक्ट है, इसका रेट देखो क्या है। अब ये प्रोडक्ट का रेट देखो 120 का है, आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जो आपका प्रोडक्ट का जो है हाईएस्ट रेट में कहाँ पे है। आपका प्रोडक्ट 1219 में नहीं है बट 609 में है। देखो 1219 के साथ 609 में देखो आपका प्रोडक्ट का रेट क्या है। यहाँ पे 1219 का निकाल दो फिल्टर और 609 अभी आपका प्रोडक्ट का देखो 150 रुपया है। नहीं, ये भी नहीं चलेगा, अपने को ज्यादा रेट का चाहिए तो हम 609 का भी फिल्टर निकाल देते हैं और हम प्रोडक्ट को मुझे यहाँ पे सिर्फ ढूंढना पड़ेगा जो हमारा प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस क्या हो सकता है। अभी आपको ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं, सिर्फ आपको स्पेसिफिक इसमें थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। ब्लू को छोड़ देते हैं और प्लेन क्लियर को डालते हैं, तो देखो प्लेन क्लियर ब्लू को निकाल देते हैं फिल्टर से, ब्लू को फिल्टर से निकाल दो और प्लेन क्लियर को डालो। इसमें देखो बेस्ट प्राइस 122 रुपया है, वो 122 नहीं चाहिए अपने को, से भी ज्यादा रेट चाहिए। इसको फिल्टर निकालो है ना 1219 में, या फिर यहाँ से फिल्टर निकालो। हाई रेट का प्रोडक्ट को देखो, जो हाई रेट में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है ज्यादा से ज्यादा रेट में, उसके हिसाब से आप पता कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी फिल्टर लगा सकते हो, इसको करो लो टू हाई की जगह पे भी हाई टू लो, हाई टू लो कर दो और इसको 580। ये वाला प्रोडक्ट को देखो, ये वाला प्रोडक्ट का देखो क्या है स्पेसिफिकेशन। अभी इस स्पेसिफिकेशन में देखो क्या है 1016। अभी इसमें थोड़ा फिल्टर लगा के आपको चेक करना पड़ेगा, विड्थ है इसका 1016, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा 1016 में 406 प्रोडक्ट है और फिर इसके साथ 750 में, 750 इसके साथ 750 में 36 प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओके, 36 प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये हो गया आपका। और देखो अभी यहाँ पे L1 शायद अभी भी कम रेट में है, इसको को चेंज कर देते लो टू हाई, अपने को पता चल जाएगा। अभी 65 रुपये का अपना भी L1 है और फिर
मैक्सिमम वेट 30 किलो का, यहाँ पे ये फिल्टर लगा दो, मैक्सिमम वेट 30 किलो का, 7 प्रोडक्ट बचते हैं, 7 में अभी 150 का हो गया आपका प्रोडक्ट का एल्बम। और फिर हम लोगों की ये लो कंपोजिट प्लास्टिक, अभी ये कंपोजिट प्लास्टिक में फिल्टर लगाओ, मटेरियल में, मटेरियल का तो फिल्टर ही नहीं लगा सकते बोल रहा है यहाँ पे। तो फिर सवाल ही खत्म हो गया। रेड में देखो एक प्रोडक्ट, रेड में कौन सा प्रोडक्ट है, देखो रेड में 150 का प्रोडक्ट, तो रेड को फिल्टर नहीं लगाएंगे। येलो में यदि हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया तो 6 प्रोडक्ट बचता है, बचता है 178 में हमारा होता है, उसके बाद 185 है, तो 178 है, मतलब यहाँ पर भी अपने पास ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, अपने को थोड़ा ज़्यादा रेट वाला ढूंढना पड़ेगा यहाँ से फिल्टर यूज़ कर कर ऐसे। अब यहाँ पे फिल्टर 483 में देखो क्या है प्रोडक्ट का, 483 में यदि हम लोग देखते हैं तो 480, हाँ अभी मिल गया। हम यहाँ पे फिल्टर क्या यूज़ करेंगे बताओ, 483 ये वाला फिल्टर हम लोग यूज करेंगे। यदि हम लोगों ने ये फिल्टर यूज किया तो हमारा प्रोडक्ट एल1 हो सकता है। देखो अब यहाँ पे अपन न्यू टैब खोलता हूँ यहाँ पे, अब ये महाराष्ट्र में बेच रहा है कि नहीं, देखें नहीं बेच रहा है तो हम इसको महाराष्ट्र में भेज देंगे, है ना। व्यू सेलर डिटेल्स, अब यहाँ पे 300 ऑल ओवर इंडिया बेच रहा है, बेच रहा है ये ऑल ओवर इंडिया में। चलो इसको कॉपी करते हैं, अभी मैं इसको यही वाला प्रोडक्ट को एल1 करके आपको फायर के अकाउंट में देखो, देखो आपको पता चल जाएगा ये L1 हो रहा है कि नहीं। अभी आपको ऐसे आपको पेयर करना पड़ेगा प्रोडक्ट ढूंढ के, तो आपको कोई मैनिपुलेशन की जरूरत नहीं, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने जगह से ही L1 कर लो। और एक बार मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और फिर अब यहाँ पे कैसा बोला हूँ, यहाँ पे क्लिक करोगे एल्बम पे, सिलेक्ट कंसाइनिंग, यहाँ पे महाराष्ट्र, क्वांटिटी 1000, सर्च, ओके 6980 आ गया इसका। इसमें देखो अभी आपका इसमें एल्बम कितने में हो रहा है, देखो आपका प्रोडक्ट 3 लाख होना चाहिए, 3 लाख हो गया। अब इसको हम लोग एल्बम इजीली कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे फिल्टर क्या क्या लगाया, देखो यहाँ पे सेलर के अकाउंट में 483 है ना, दो लगाया 483 का, लेंथ ऑफ वेट 483 एंड 483 अगेन, हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे 483 सिर्फ कॉम्पिटिटर ढूंढना पड़ेगा, ये एक रह जाएगा क्योंकि इसके साथ कॉम्पिटिटर नहीं मिलेगा। वेट 30 किलो, वेट में 30 किलो मैक्सिमम वेट है 30 किलो चार प्रोडक्ट, ओके 1,18,000। और कलर में कलर में डाला था येलो, ओके तो हमारा प्रोडक्ट देखो 3 लाख में एल्बम है बेटा, सिर्फ कॉम्पिटिटर जैसे हमारा यहाँ पे मिला था सेम हमको यहाँ पर भी सेम रिजल्ट मिलेगा। देखो अभी कॉम्पिटिटर ढूंढना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर आप देख सकते हो यहाँ पे 30 में है, तो कोशिश करो 25 में देखो कोई है क्या कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा रेट में, यदि मिल गया कॉम्पिटिटर तो इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 25 में नहीं, तो 20 में देखते हैं। अभी हम लोग इसमें 20 में देखते हैं L1 के लिए, ये फिल्टर नहीं लगा, और एक बार निकालो, कभी कभी ये फिल्टर नहीं लगता है, जिससे 20 नहीं लगा, 20 में भी नहीं चल रहा है, ओके छोड़ दो। अभी देखो यहाँ पे 15 पे देखो,
तीन पे भी नहीं है, और एक फिल्टर है अपने पास 10 का, 10 में देख लेते एक बार ट्राई कर 10 में। तो फिलहाल इसमें तो नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि L1 नहीं होगा, हमको थोड़ा सा और इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। अभी 30 का फिल्टर निकाल, है ना, 30 का फिल्टर निकाल देंगे। अभी इसमें हमको हाई रेट का प्रोडक्शन, यहाँ पे इसको फिल्टर लगाओ हाई टू लो, 1,18,000, देखो 3 लाख का है हमारा, मतलब मेरा सेकेंड में, अलग अलग ब्रांड है, हमको और एक प्रोडक्ट लेके आना है, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं, है ना। तो 483 को भी निकाल देता हूँ यहाँ से। अभी देखते हैं हाई रेट में प्रोडक्ट अपने पास है क्या, 3,34,000 है अभी, दो तीन ज्यादा प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि ज्यादा रेट में यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, हमने एकदम हाई रेंज को उठाया, इसके वजह से ये थोड़ा तकलीफ है। तो हम लोग अभी ये प्रोडक्ट को लेके आएंगे, है ना। 483 देखो इसको क्या है, इसको ये प्रोडक्ट का डिटेल्स क्या है, देखो का फिल्टर 483 10 किलोग्राम में है, 10 किलोग्राम में ये अवेलेबल है 483 में। और इसको क्या है देखो, यहाँ पे और एक, अभी अपने को सभी फिल्टर को एक साथ मिल के काम करना पड़ेगा। अभी L1 457 और 480, है ना। तो हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे 457, ओके, और 457, ओ सॉरी कहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो थोड़ा गलत हो गया तो नहीं होगा, लेंथ में 457 का लगाना है, लेंथ में 457 का लगाना है, लेंथ यहाँ, लेंथ में 457 एंड 483 का, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 483 का, 1,18,000 का हो गया। अभी देखो कॉम्पिटिटर में खड़े हैं, है ना, कॉम्पिटिटर में है, पर 1,18,000 का है हमारा। अभी इसको 10 है, और ये भी शायद 10 का ही आई थिंक, इसके साथ इसको चेक करना पड़ेगा। 10 येलो बायो, ये देखो क्या है, 10 येलो बायो, सब कुछ सेम है इसका, 483 10 येलो बायो, ये हम यूज नहीं कर सकते 483 में। वेट में हम लोगों का प्रॉब्लम हो गया, और एक प्रोडक्ट है उसका क्या है वेट, देखो ये तो 10 का है, इसका वेट, इसका भी 10 का ही वेट है, 483 में ही है वेट। हम मुझे वेट निकाल देते हैं, 10 का वेट नहीं डालते, नहीं चलता है, 483 वाला छोड़ के दूसरा हमको देखना पड़ेगा, 457 का एक कौन सा था, ये वाला था 457, ये रह जाएगा एक, ये प्रोडक्ट तो रह जाएगा 10 का फिल्टर निकालेंगे, यहाँ पे 30 का किलो का फिल्टर लगाते हैं, थोड़ा टाइम जाएगा ये समझने में आपको, क्योंकि एक दो बार इसको प्रैक्टिस चाहिए बहुत। यहाँ पे 30 का फिल्टर, एक हमारा एक प्रोडक्ट आ गया, और इसका वेट क्या है देखो 30 में 10 में, और अभी यहाँ पे 10 में हम फिल्टर ही नहीं लगा सकते, ओके 10 में नहीं लगा सकते, 15 में, अभी यहाँ पे एक फिल्टर लगा के देखो 15 में आ रहा है क्या, देखो नहीं, 457 में 3 प्रोडक्ट है, देखो ये फिल्टर आपका कुछ काम का नहीं रह गया। हमको वेट अलग वाला ढूंढना पड़ेगा, 10 वाला वेट नहीं चलेगा, वेट अपने को अलग ढूंढना पड़ेगा इसमें फिल्टर में। इसको भी निकाल दो और इसको भी निकाल दो, अभी हाई रेट में अलग वेट का ढूंढो खाली प्रोडक्ट, इसे यहाँ पे लगाओ प्राइस हाई टू लो एंड प्रोडक्ट 579 का हो गया था, ये 570, देखो क्या है वेट 30 का है बराबर, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं 914813, इसमें अभी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं सर। हाँ
सर एक चीज, जैसे सर आप यहाँ पे हाई टू लो डाल रहे हो, सर इस कैटेगरी का ये तो हाई प्राइस आ रहा है, इसमें लो प्राइस भी होगा तो सर वो फिर ऊपर आ जाएगा। देखो नहीं आएगा ना, हम लोग हाई टू लो का प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम अपने कॉम्पिटिटर लेके आ रहे हैं खाली। मुझे मेरा फिल्टर पता है, वो फिल्टर डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्ट L1 हो जाएगा, पर मेरे पास खाली कॉम्पिटिटर नहीं है, इसलिए हम लोग हाई प्राइस को कॉम्पिटिटर के तौर पे लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी सर, वो सर उसमें बार बार फिल्टर हट रहा है। हाँ हाँ तो ये आपको थोड़ा उतना मेहनत करना पड़ेगा फिर बार बार। ये हमारा प्रोडक्ट है, हमारा 483, 483, इसमें 483, 483 लगाना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे चलिए आपको 914 को छोड़ के दोनों फिल्टर लगाना पड़ेगा 483 का। एक एक फिल्टर यूज करो वेट में, वेट में ये प्रोडक्ट का फिल्टर क्या है, नहीं सॉरी यार, लेंथ, लेंथ में 914 और मेरे प्रोडक्ट का लेंथ क्या है देखो 480। हम यहाँ पे दो फिल्टर यूज करेंगे, एक 914 का और एक यूज करेंगे 483 का। लेंथ का, लेंथ का हम लोग यूज करेंगे 914, लेंथ में 914, 914 एंड 483 दो फिल्टर यूज करें, एक मेरे कॉम्पिटिटर का और एक हाई प्राइस वाला। हमने दो फिल्टर यूज, 914 का लगा, 483 का लगा, नहीं देखो तो फिर से यहाँ पे जाओ और 483 का लगाओ, इसको 483 का लगा दो। नाइन वन फोर 483 का, यहाँ पे दो फिल्टर लग गए लेंथ में, अभी विड्थ में देखो क्या 813 और इसका मेरा है कितना 813 और 483। अब यहाँ पे दो लगाएंगे विड्थ, 813 और 483, 813 और 483 दो फिल्टर, 813 और 483। अभी देखो 1,19,000 होता है ये प्रोडक्ट, अभी नहीं जा रहा। उसी सेम कंपोजिशन में अलग प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट यहाँ से निकलता है तो यहाँ पे लो टू हाई 1,19,000 के बाद भी 1,76 का है। नहीं इसमें भी नहीं बैठ रहा है, तो आपको ऐसा प्रोडक्ट ढूंढते रहना पड़ेगा। जब तक ढूंढना पड़ेगा तब तक, जब तक आपका प्रोडक्ट L1 के लिए नहीं आ जाता, कोई आपके कॉम्पिटिटर अच्छा ज्यादा रेट वाला प्रोडक्ट नहीं मिल जाता है, तब तक आपको ये ढूंढता रहना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे हाई टू लो, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है ज्यादा रेट वाले। सेकंड नहीं किया था ना, सेकंड का था सर। हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, अगर दो दूसरी आईडी से सेम प्रोडक्ट को, सेम स्पेसिफिकेशन को अपन डाल दें ज्यादा रेट करके, तो कर सकते हैं ना उसको, हाँ फिर कर सकते हैं, अलग आईडी से अलग ब्रांड। है ना सर? अलग ब्रांड, दोनों को अलग ब्रांड में करना पड़ेगा या अनब्रांडेड में कर हाँ दें उन आईडी से नहीं, तो अलग ब्रांड चलेगा? आपका जो प्रोडक्ट है वो ब्रांड का नहीं, अलग ब्रांड का चलेगा। अब अच्छा, ये तो मतलब है दोनों ब्रांड, अदर आईडी से दोनों अलग ब्रांड में जाना पड़ेगा? हाँ एक आप अनब्रांड ले सकते हो और एक कोई दूसरा ब्रांड का और लेना पड़ेगा सेम स्पेसिफिकेशन का। इस प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है सेम ठीक है, ठीक स्पेसिफिकेशन का ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो अलग अलग आईडी से अलग अलग ब्रांड का दो प्रोडक्ट और पब्लिश कर है, दो तुरंत, ये फिल्टर लगाओ लगे जरूर। ठीक है, और फिर उसको L1 में करवा दो। हाँ फिर L1 तुरंत हो जाएगा फिल्टर लग, खाली कॉम्पिटिटर नहीं है ना मेरे पास, L1 तो हो हाँ रहा है कॉम्पिटिटर। तो कॉम्पिटिटर अपन खुद दूसरी आईडी से बना लेंगे ना अपन? तो फिर आपका हो जाएगा। सर ये वाली चीज जब ये एप्लीकेबल होएगी, मतलब जब हमारा रेट कम होएगा उस वाई कैटेगरी में इन फिल्टर्स में। हाँ ये आपको इस तरीके से आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखो इसमें तकलीफ इसलिए हो रहा है कि हाई रेट वाले को ले रहे हैं, यही यदि 3 लाख की जगह पे 2 लाख वाले को लेते थे या 1.5 से 2 लाख के बीच में नॉर्मल रेंज में, मीडियल मिडिल रेंज में, तो इजीली कैसे भी L1 हो जाता था, 1,90 तक तो L1 हो ही रहा था। सर अगर ये मैनिपुलेशन से करे उसमें कितना टाइम लगे?
10 मिनट ओके कुछ नहीं है, खाली एक फिल्टर लगाना, एक कोई भी एक फिल्टर लगाओगे तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट एल1 हो जाएगा। ओके सर।